एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस तरीके का ड्रेस आप कैसे बनाएंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके का ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके का एक फ्लैट सर्कल बनाना होगा, यानी कि एक बेस बनाना होगा। उसके ऊपर इस तरीके का फ्लावर अटैच करना होगा और ये जो लीव्स देख रहे हैं, पत्ती देख रहे हैं, ये भी अटैच करना होगा। लेकिन ये जो आप डंटी जैसा देख रहे हैं, लीव्स के यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग किस तरीका से, ये मैंने इसी के साथ वर्क किया है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए, ये पहले इस तरीका सा इस तरीका का बेस बनाना होगा, ठीक है। तो ये चोली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। ये 6 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने बनाया है। तो ये कैसे बनाना है ये मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। अब देखिए, इसके नीचे का जो बेस, ये जो बेस मैंने बनाया है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है आप लोगों को, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरीका का एक बेस रेडी कर लीजिए। जितना बड़ा आपका कान्हा जी है उस हिसाब से आप कर लीजिए। ये मैंने 6 नंबर का किया है। तो देखिए, 6 नंबर का मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो रखा है। आप लोग 6 नंबर का अगर थोड़ा बड़ा करना चाहे तो ये आप लोग 10 रो रखिए। जैसे इसमें मैंने टोटल 10 रखा है, ठीक है। तो ये पोशाक देखते हैं आप लोग, इससे थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 रो रखा है और उसके बाद मैंने ये फ्लावर का अटैच किया है, ठीक है। तो आप लोग इस बेस को जब बनाइएगा तब आप लोग यहाँ पर 10 रो बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद क्या करना है, किनारी मैं दिखा चुकी हूँ, तो इस तरीके से चोली में किनारी भी आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए, इस टाइप का जो फ्लावर है, देखिए यहाँ पर जो मैंने फ्लावर लगा रखा है, तो इस टाइप का फ्लावर है ये, ठीक है। तो ये फ्लावर भी मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा किस तरीके से बनाना है। तो आप लोग किस तरीके से फ्लावर बना लीजिएगा। उसके बाद बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर जो मैंने है ये फ्लावर को मैंने देखिए पीछे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैंने सब अटैच किया है इसको नीडल्स से, सब मैंने इसको अटैच किया सुई धागा से, ठीक है। तो पहले आप लोग बेस बना लीजिएगा, उसके बाद फ्लावर बना लीजिएगा, उसके बाद बारी आती है पत्ते की, तो ठीक है। तो पत्ती देखिए, इस टाइप का जो पत्ती है, इस टाइप का इसमें पत्ती लगाना है, छोटा पत्ती। तो इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा और इस टाइप का पत्ती बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये ड्रेस है, देखने में तो बहुत खूबसूरत है, बनाने में भी बहुत आसान है, लेकिन आपको पार्ट बाय पार्ट बनाना होगा, ठीक है। यही अंतर है ये ड्रेस में। तो फ्लावर का लिंक भी मैं दे दूंगी, पत्ती का लिंक भी दे दूंगी, चोली का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, और ये बेस बनाना किस तरीके से इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग ये पूरा टोटल कर लीजिएगा। अब देखिए, ये जो मैंने इस तरीके से इसका किनारी पहले मैंने बनाया है, ये किनारी किस तरीके से बनाना है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। और देखिए, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर डंटी जैसा बनाया है, तो ये किस तरीके से बनाना है ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। और इसका छोटा बड़ा साइज आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये 6 नंबर का मैंने बनाया है, आपसे आप अगर छोटा कान्हा जी का बनाना चाहते हैं, यानी कि 4 या 5, तो देखिए आप इसका 7 रो रखिएगा, 7, इसका जो फ्लैट सर्कल है ये 7 रखिएगा, ठीक है। और फ्लावर जो है आप किसी भी कलर का अटैच कर सकते हैं, ये आपका मर्जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये किनारे किस तरीके से बनाने बनता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर रेड कलर से किनारी बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए मैंने रेड कलर का ही यहाँ पर बॉर्डर भी बनाया है, तो किनारी भी रेड कलर का बनाएंगे। आप किसी भी कलर का बना सकते हैं, बॉर्डर आप लाइक येलो में भी बना सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहले इस तरीके से हम लोग एक नॉट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर अटैच कर लेंगे, इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे, देखिए इस तरीके से अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद एक चेन ले लेंगे, चेन लेने के बाद सेकेंड वाला जो आप लोगों को चेन दिख रहा है, इसमें नीचे उसको डालते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, इस तरीके से एक सिंगल क्रोशेट बना लिए। बनाने के बाद देखिए, 1 2 एंड 3, 3 चेन लेंगे, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद देखिए,
ये जो हम लोग का पहला वाला दिख रहा है चेन और ये वाला चेन दिख रहा है, ये दोनों किस तरीके से उठाएंगे, ठीक है। उठाते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, इस तरीके से एक सिंगल क्रोचेट बनाएं। बनाने के बाद इसके नेक्स्ट वाला जो चेन है इसको स्किप करेंगे, देन इसके नेक्स्ट में जो है इसमें नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट से इसको अटैच कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से किनारे बन गया। फिर देखिए, फिर हमने एक दो और तीन, तीन चेन लेना है। तीन चेन लेने के बाद फिर ये नीचे जो आप लोगों को दो चेन दिख रहा है, ये और ये, इस दोनों में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे एंड डालते हुए फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। देखिए डालते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट इस तरीके से बना लेंगे, बना लिए। बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन है इसको स्किप करेंगे, देन उसके बाद जो चेन है इसमें नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। तो देखिए इसका लिप्स कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। और एक बार देखिए, फिर यहाँ पर डालने के बाद फिर यहाँ पर दो तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। तीन चेन बना लिए, उसके बाद देखिए ये वाला चेन नीचे का और ये वाला चेन, ये दोनों चेन को उठाएंगे। उठाते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, फिर नीचे एक चेन को स्किप करते हुए सेकंड चेन में नीडल्स को डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा यहाँ पर इस तरीका का जो बॉर्डर है ये आप बना लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को ये जो पत्ती के बगल में डाली जैसा दिख रहा है ये कैसे बनाइएगा ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए ये जो मुझे बनाना है, पहले पत्ती हम लोग यहाँ पर अटैच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में हम लोग किस तरीके से ये चेन को बनाएंगे, पत्ती को पत्ती जैसे एडजस्ट करना है उसका मेजरमेंट रख के उसके बाद हम ये चेन बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग फ्लावर का अटैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग पत्ती का मेजरमेंट रखने के बाद फिर ये वाला डंडी बनाना शुरू कीजिएगा। तो देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, देखिए ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राउंड है। 8 राउंड में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच राउंड को हम लोग नहीं करेंगे। ये जो पांच राउंड का जो ये चेन दिख रहा है इसमें हम लोग इस तरीके से वर्क करेंगे, देखिए आप लोग, ठीक है। तो चेन का देखिए यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 पांच राउंड के अंत में जो चेन है, यानी कि 6 के ऊपर वाला जो चेन है ऐसे भी बोल सकते हैं, उसमें हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर डंडी बनाएंगे तो देखिए इधर आप लिप्स लगाइएगा तो दोनों में प्लेस है, लिप्स लगाने के लिए जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले उठाएंगे, उठाने के बाद इस तरीके से ग्रीन धागा लेंगे, ऊन लेंगे। ऊन लेने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक नॉट लगा दिए, ठीक है। नॉट लगाने के बाद देखिए ऊपर की तरफ से हमको नॉट को लेके आ जाइए, ये पीछे की ओर से नहीं होगा, एक बार फिलहाल हम लोग ऊपर लाते हैं फिर पीछे के। देखिए इस तरीके से नॉट ले आए, ठीक है। नॉट लेने के बाद देखिए यहाँ पर एक चेन बना लीजिए पहले। यहाँ चेन बनाने के बाद अब जो वर्क करेंगे, देखते हैं आप लोग, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये जो बॉर्डर दिख रहा है बॉर्डर जैसा, ये वाला देखिए, ये वाला जो दिख रहा है बॉर्डर, इसी में वर्क करना है, ठीक है। तो इसी में किस तरीके से वर्क करेंगे देखिए, इसके बाद इसमें डालेंगे नेक्स्ट वाला में इस तरीके से डालते हुए यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इसमें डालें फिर इसमें से निकालें, इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लें। और एक बार देखिए, फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट ये जो चेन है ये देखिए इसमें इस तरीके से डालेंगे, डालते हुए फिर इस तरीके से धागा को लेके आएंगे और लेके आते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये जो है ये वर्क पूरा हमको स्लिप स्टिच में करना है, लेकिन हम लोग ये खुले हाथ से करेंगे, टाइट नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा हम लोग जो चेन है ये जब लोग चेन दिख रहा है ये थोड़ा लूज लेंगे, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड में फिर नीडल्स को डालेंगे इस तरीके से, डालते हुए फिर यहाँ पर इस तरीके से धागा लेके आएंगे एंड लेके आते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देख रहे आप लोग, तो एक चेन जैसा बन रहा है इसमें, देखिए आप लोग इस तरीके से यहाँ पर एक देखिए चेन जैसा बन रहा है। देखिए थोड़ा बना के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। फिर देखिए नेक्स्ट में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, इस तरीके से डालते हुए फिर धागा को लेते हुए लेके आके फिर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर इस तरीके से डालते हुए देखिए फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में इस तरीके से डालेंगे, नेक्स्ट चेन में डालते हुए इस तरीके से धागा लेके आके यहाँ एक स्लिप स्टिच। तो देखिए आप लोग ये एक चेन जैसा यहाँ बन रहा है, चेन जैसा बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर चेन बनाते जाना है, ठीक है।
ये जैसे खुले हाथ से बनाइएगा तो आप लोग को ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, थोड़ा खुले हाथ से ये बनाना होगा। तो आपको जितना लंबा ये डाली जैसा चाहिए उतना लंबा आप बना लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने फ्लावर ये पत्ती अटैच किया है उस तरीके से आप लोग अटैच कर दीजिए पत्ती को सुई धागे से लेके। देखिए पीछे मेरा ये पूरा दिखेगा आपको, सुई धागे से मैंने इस तरीके से अटैच कर रखा है, ठीक है। तो इस ड्रेस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान ड्रेस है और बहुत ही प्यारा लगता है ड्रेस देखने में, और बनाने में बहुत आसान है। लेकिन आपको पार्ट बाई पार्ट इसको बनाना होगा, इसको अलग से आपको फ्लावर बनाना होगा और अलग से पत्ती बनाना होगा, ये चीज़ अलग अलग बनाना होगा। देन पूरा उसके बाद आप इसका अटैच कर दीजिए और ये वाला पूरा सर्कल बना लीजिए। देन उसके बाद आप ये इस तरीके से बॉर्डर बना लीजिए और ये बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस बन जाएगा। तो आप लोग ये बनाइए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा सब अपना पिक शेयर कर रखा है पोशाक का, लाइक मैं जो भी कुछ बनाती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अब इसी का मैचिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए कैप लेके आऊँगी, वो भी बहुत प्यारा है। तो इसका मैचिंग का आप लोग कैप कैसे बनाइएगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।